प्यारे बच्चों, नई उमंग भाग 7, जिसका प्रथम अध्याय पढ़ा दिए थे, क्वेश्चन आंसर भी हो गया था। अब आपको मैं दूसरी पार्ट पढ़ाता हूँ, जिसका शीर्षक है दादी माँ। देखिए, सभी की दादियों की तरह मेरी दादी माँ भी बूढ़ी थी। पिछले 20 साल से मैंने उन्हें बूढ़ी ही देखी। झुड़ियों से भरे चेहरे वाली, लोगों से ही सुनता रहा कि वे कभी जवान थी और खूबसूरत थी, यहाँ तक कि उनका एक पति भी था। पर मेरे लिए तो विश्वास करना भी असंभव था। मेरे दादाजी की तस्वीर बैठक में मेटल पीएस के ऊपर टंगी रहती थी। उन्होंने बड़ी सी पगड़ी पहनी हुई थी और ढीले कपड़े। उनकी सफ़ेद लंबी दाढ़ी इतनी लंबी थी कि छाती तक पहुंचती थी। 100 साल के करीब तो वे लगते ही थे। ऐसा नहीं लगता था कि उनके बीवी बच्चे भी होंगे। वे तो ऐसे दिखते थे जैसे बस हजारों हजार नाती पोतियों के दादाजी हों। मेरी दादी माँ का खूबसूरत और जवान होने का तो ख्याल भी भड़काने वाला लगता था। दादी अक्सर हमें बताती थी कि बचपन में वे कौन कौन से खेल खेला करती थी। सुनने में बिल्कुल बेतुका सा लगता, जैसे उनकी बूढ़ी महिला के लिए अशोभनीय भी। हमें तो यह सब पैगंबर नबियों की कहानियों की तरह काल्पनिक ही प्रतीत होता। हमने उन्हें हमेशा ऐसा ही देखा, नाटी सी, मोती सी और तनिक झुकी हुई सी, चेहरा झुड़ियों की आड़ी तिरछी लकीरों से पटा हुआ था। बिल्कुल हमें तो पूरा विश्वास था कि वे हमेशा हमेशा से ऐसे ही रही होगी। बूढ़ी, बिल्कुल बूढ़ी, इतनी बूढ़ी कि अब और बुढ़ाना उसके बस में नहीं था। 20 साल से ऐसी ही तो देख रहे थे हम उन्हें, खूबसूरत हाँ, कभी नहीं हाँ, प्यारी वे जरूर लगती थी। कपड़े वे हमेशा सफ़ेदी पहनती। कुंवर के कारण एक हाथ कमर पर टिकाए और दूसरे से राम नामी माला के मनके फेरती। वे सारे घर में घूमा करती, चांदी सी चमकीली लटें उनके पीले झुर्राए चेहरे पर बेतरतीब बिखरती रहती। प्रार्थना के न जाने किन सपनों को दोहराते, उनके ओंठ निरंतर फरकते रहते। दादी माँ के साथ मेरी खासी दोस्ती थी। मेरे माता पिता ने जब शहर में बसने के लिए कूच किया तो मेरी दादी माँ के पास छोड़ गए। वे मुझे तर के ही जगा देती और स्कूल के लिए तैयार करती। मुझे नहलाकर तैयार करते हुए वे अपनी प्रातःकालीन प्रार्थना मुझे गाकर सुनाती रहती, ताकि मैं भी इसे सुन सुनकर जवानी रट लूँ। सुनता तो ज़रूर था, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ प्यारी लगती थी, पर सीखने में तो कभी मेरा ध्यान ही नहीं गया। लकड़ी की मेरी तख्ती को मिट्टी से लीप कर वे पहले से ही तैयार रखती। साथ में दवात और सरकंडे कलम भी एक झोले में डाल मुझे थमा देती। एक मोटी सी बासी रोटी पर मक्खन और चीनी थोप मुझे खिलाती और स्कूल ले जाती। अपने साथ ढेर
की ढेर बासी रोटियां भी गांव के कुत्तों को डालने के लिए भी ले जाती। वे मुझे हमेशा स्कूल तक छोड़ने जाती। एक वजह यह भी थी कि स्कूल गुरुद्वारे के साथ ही लगा हुआ था। गुरुद्वारे का भाई पुजारी ही हमें वर्णमाला सिखाता था और सवेरे की प्रार्थना करवाता। बच्चे बरामदे के दोनों ओर पंक्तियों में बैठ काकहारा यानी वर्णमाला गाते रहते या सुर में प्रार्थना करते। मेरी दादी माँ उसी बीच गुरुद्वारे भीतर बैठी धर्म ग्रंथ को वाचा करती। जब हम दोनों अपने अपने कामों से निबट जाते तो एक साथ घर लौटते हुए हमें गुरुद्वारे के करीब के ही गांव के कुत्ते को दिखा दे जाते। रोटियों के लिए लड़ते झगड़ते बहुत चक्के गुर्राते और हमारे पीछे पीछे तक घर चले जाते। जब मेरे माता पिता शहर से पूरी तरह बस आ गए तो उन्होंने हमें भी अपने पास बुला लिया। दादी माँ और मेरी दोस्ती के लिए यह एक नया मोड़ था। रहते तो यहाँ भी हम दोनों एक ही कमरे में थे, पर अब वे मुझे स्कूल छोड़ने नहीं जाती थी। अब मैं मोटर बस में बैठकर एक अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में जाने लगा था। यहाँ सड़कों पर कुत्ते नहीं होते थे, शायद इसीलिए अब उन्हें अपने आंगन में गोरैयों को दाना डालने का नया शौक पाल लिया था। जैसे जैसे वक्त गुजरता चला गया हमारा एक दूसरे के साथ संपर्क कम से कम कमतर होता चला गया। कुछ अरसे तक वे मुझसे सवेरे उठती रहती और स्कूल के लिए तैयार भी करती रहती। मेरे स्कूल से लौटकर आने पर पूछते वहाँ मैंने क्या क्या पढ़ा। मैं उन्हें अंग्रेजी के नए नए शब्द बताता, पश्चिमी ज्ञान विज्ञान से संबंधित छोटी छोटी बातें सुनाता, गुरुत्वाकर्षण के नियमों आर्किमिडीज के सिद्धांतों और धरती के गोलाकार होने के बारे में समझाता। वे सब बातें सुनकर वे खिन्न हो उठती। ऐसी पढ़ाई में वे मेरी क्या मदद कर सकती थी। अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ी जाने वाली बातों में उनकी कोई आस्था नहीं थी और वे खासी दुखी हुई यह जानकर कि ईश्वर और धर्म ग्रंथ के बारे में यहाँ कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। एक दिन मैंने उन्हें आकर बताया कि हमारे पाठ्यक्रम में संगीत विषय भी शामिल है। वे बहुत चिंतित हो उठी। उनके ख्याल में संगीत का संबंध व्यभिचार से था। अच्छे खासे संभ्रांत लोगों का इससे क्या लेना देना। उन्होंने मुझे सीधे से तो कुछ नहीं कहा, पर उनकी नाराज़गी जाहिर कर रही थी। इसके बाद तो उन्होंने मुझसे बोलना चालना ही बहुत कम कर दिया। तो आज तक इतना ही। अगले दिन मैं इसे आधा पढ़ा दूंगा, फिर क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा। धन्यवाद। मैं शंकर जी।